ये भी शेयर करता हूँ, ठीक है, कि जब बच्ची मतलब गुम हुई है ना, तो उसके माँ बाप गए हैं मस्जिदों में ऐलान करवाने। अब पता नहीं शायद वो कौन से मजहब वाले लोग हैं कि वो कहते हैं कि हमने मतलब ये बच्ची का नाम जो है, क्या ऐलान हुआ मस्जिद से? हुआ ही नहीं, उन्होंने कहा इन नामों का तो हम ऐलान ही नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम बहन भाइयों, सबका क्या हाल है? अल्लाह के रहम करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आपकी दुआ से आज की वीडियो शुरू करते हैं। माशाल्लाह मैं अभी जागा हूँ, रात के बज रहे हैं, ठीक है, सुबह के बाल के मतलब 3 बज रहे हैं, सहरी का टाइम हो गया। तो मैंने मतलब जैसे ही मोबाइल उठाया तो काफ़ी दो तीन दिन हुए तो मैं मोबाइल यूज़ नहीं कर रहा था। तो मतलब एक वायरल ख़बर आपने आप लोगों ने भी देखी होगी कि दुआ ज़हरा बच्ची एक मतलब है ना अगवा हुई है, ठीक है, सोशल मीडिया पे काफ़ी खबर चल रही है। तो मेरी सब बहन भाइयों से उनसे रिक्वेस्ट है जो गलत वीडियो फैला रहे हैं, जो सीसीटीवी की कैमरे की किसी और लड़की की वीडियो उठा के अपने चैनलों पे डाल रहे हैं खाली थोड़े से चंद व्यू लेने की खातिर, तो उन बहन भाइयों से मेरी गुजारिश है कि मतलब यार ऐसी वीडियो ना फैलाओ जैसा कि आज आपने खबरों में सुना, ठीक है, जिस FHO ने वो वीडियो मतलब है ना मतलब लीक की थी, ठीक है, ये मतलब वीडियो दिखाई है कि ये बच्ची जी खुद बैठ कर जा रही है, ठीक है, तो वो FHO भी आज गवर्नमेंट ने मुअत्तल कर दिया, ठीक है, खबरों में आप बहन भाइयों ने भी सुन लिया होगा। तो मेरी सब बहन भाइयों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अच्छी वीडियो मतलब जो उनके बारे में वीडियो है ना आप वो पोस्ट करें, गलत वीडियो ना पोस्ट करें। आप मतलब कई चैनलों पे मैं 2-3 पे देखा है जी बच्ची बाजियाब हो गई है, कि बच्ची नहीं बाजियाब हुई है। आज उनके माँ बाप का जो है इंटरव्यू चल रहा था, अभी 2 वीडियो मैं आप बहन भाइयों के साथ शेयर करता हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा कि लोग यार कितने परेशान हैं। तो लोग चंद लाइक लेने के लिए गलत वीडियो फैला रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है यार, बराए मेहरबानी किसी के मतलब है ना क्या कहते हैं दिल के साथ ना खेला करें, मेहरबानी करें, उनके उनके हालात के साथ ना खेला करें। आपकी वीडियो लोगों तक लोगों को कितनी तकलीफ पहुंचा सकती है, उनके माँ बाप को कितनी तकलीफ पहुंचा सकती है। वो हम सबके लिए लम्हा फिक्रिया है। रिसेंटली जो बच्ची किडनैप की गई है जिसका नाम दुआ है, वो कचरा फेंकने बाहर जाती है और घर वापस नहीं आती। ये एक बहुत बड़ी बात है और हम उनके पेरेंट्स के दुख का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। बस हम दुआ कर सकते हैं उस बच्ची के लिए भी कि खैर खैरियत से वो अपने घर आ जाए। और रात जुम्मे का दिन है, उस बच्ची के लिए दुआ कीजिए, उसके पेरेंट्स के लिए दुआ कीजिए, हो सकता है हम सब में से किसी एक की दुआ काम आ जाए। और ये महीना बहुत ही नेकी वाला महीना है, अल्लाह ताला ने कहा है ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करें। तो कुछ नहीं तो मैसेजेस करें, शेयर करें उस बच्ची के लिए, ताकि वो बच्ची खैर खैरियत से अपने घर आ जाए। और उस उनके लिए भी दुआ कीजिए जिन्होंने इतना गिरा हुआ काम किया कि अल्लाह ताला उनको सख्त से सख्त सज़ा दे, और बेशक अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है ऐसे लोगों को। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। मतलब आप उस बच्ची के बारे में वीडियो बनाना चाहते हैं तो अच्छी वीडियो बनाएं, ठीक है, उनकी हेल्प करें, उनके मतलब चैन जो ओरिजिनल बात है ना, ओरिजिनल बात तो मतलब उसके बाप से उसकी माँ के मुंह से भी आपने सुना होगा अगर आपने वीडियो देखी होगी कि बच्ची कूड़ा फेंकने आई है गली से बाद में घर नहीं पहुँची है, ठीक है। तो जब मतलब जो उनके घर के कैमरे की वीडियो थी वो भी मतलब जो साथ वाले कैमरे की वीडियो थी वो भी एक दिन की जो उस दिन की फोटेज थी वो डिलीट हो गई है, ठीक है, मतलब किसी ने डिलीट कर दी है। तो अब उनका बाप कह रहा था मतलब बच्ची का बाप कह रहा था कि मतलब इसमें ना मेरे गली वालों का हाथ है। अब अल्लाह जानता है क्या खबर है क्या नहीं है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, ठीक है, चाहिए कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें, ठीक है। सब बहन भाइयों को भी चाहिए, जो बहन भाई भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो एक एक वीडियो बनाएं, अपने चैनल पे लगाएं, फेसबुक पे पोस्ट करें, जो भी आपका सोशल मीडिया का अकाउंट बना हुआ है उस पर लाजमी पोस्ट करें, एक एक वीडियो बना के, ठीक है ना। सब बहन भाइयों से गुजारिश है, जो बहन भाई भी ये वीडियो देख रहा हो, तो यार मतलब हुकूमत को भी चाहिए ये करना चाहिए। मैंने एक छोटी सी बात सुनी है, मैं आपके साथ वो आगे वीडियो भी शेयर करता हूँ, ठीक है, कि जब बच्ची मतलब गुम हुई है ना, तो उसके माँ बाप गए हैं मस्जिदों में ऐलान करवाने। अब पता नहीं शायद वो कौन से मजहब वाले लोग हैं कि वो कहते हैं कि हमने मतलब ये बच्ची का नाम जो है ना हमने ऐलान नहीं करना है मस्जिद में, ये नाम मतलब हम इस नाम का ऐलान नहीं कर सकते हैं। कैसी जहालत है हमारी यार इस पाकिस्तान में, ठीक, इस दुनिया में, ये हमारी जो दुनिया पाकिस्तानी है ना, इस दुनिया की बात करूँ कि कैसे लोग मतलब जहालत वाले बैठे हुए हैं, जहल लोग बैठे हुए हैं कि यार उनकी बच्ची गुम।
बहुत ही हैरानगी वाली और दुख भरी बात है, ठीक है, हमारे लिए भी बात है, ठीक है, कि हमारी भी वो ऐसे ही है जैसे छोटी बहन है, ठीक है। तो सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि उस बच्ची के लिए, उस हमारी बहन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा दुआएं करें, ठीक है। अल्लाह पाक किसी की भी दुआ कबूल फरमा सकता है, ठीक हो गया ना। तो सब बहन भाइयों इतनी मेरी छोटी सी वीडियो थी, अगर मैसेज अच्छा लगे तो अपने बहन भाइयों के साथ लाजमी शेयर करें और ख़ुद भी वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया पे लाजमी शेयर करें। तो मेरा हो गया फैरी का टाइम, मैं करता हूँ फैरी, ठीक हो गया, रोज़ा रखते हैं फिर अल्लाह के करम से। तो मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे आपको इंशाल्लाह ताला एक व्लॉग में, तब के लिए खुदा हाफिज़।